जिस सफेद रंग की फॉर्च्यूनर की तलाश में पुलिस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खाक छान रही थी, वो फॉर्च्यूनर मिली है उत्तर प्रदेश में, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ बनारस में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस फॉर्च्यूनर पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम इंसान की कार नहीं है। ये कार है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की, जो 19 मार्च को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से चोरी हुई थी। चोरी का मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि पुलिस ने फौरन केस दर्ज कर कार की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने कार की खोजबीन में बड़ा अभियान चलाया, जिसके बाद आखिरकार चोरी हुई कार को वाराणसी से बरामद कर लिया गया। साथ ही मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनके नाम है शाहिद और शिवांग त्रिपाठी। पुलिस को छानबीन में पता लगा है कि बदमाश क्रेटा कार से जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी करने आए थे। उन्होंने डिमांड के बाद कार को चोरी किया, फिर उसकी नंबर प्लेट बदली, उसके बाद अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, बरेली, सीतापुर और लखनऊ होते हुए बनारस पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी कार को नागालैंड भेजने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें कार समेत धर दबोचा। बता दें कि मल्लिका नड्डा की कार का नंबर हिमाचल प्रदेश का है। चूंकि जेपी नड्डा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और वहीं से उन्होंने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। फिलहाल नड्डा की पत्नी की कार तो मिल गई, लेकिन जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उनकी अब खैर नहीं। पुलिस थाने में उनकी अच्छे से खातिरदारी करेगी, जिसके बाद वो अपनी तकदीर को कोसेंगे कि यही कार मिली थी चोरी करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।